नमस्कार, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज है 22 मार्च और 22 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। भारत के सभी लोगों ने इसको माना और उनकी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। लेकिन हमारे वीडियो का विषय ये नहीं है, हम आज जनता कर्फ्यू पर बात करने वाले नहीं हैं। हम इस बात पर बात करेंगे, हमारे इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं या कोरोना के योद्धा हैं, जो कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, उनको थैंक्स करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, थाली बजाने के लिए, ताली बजाने के लिए, शंख बजाने के लिए, घंटी बजाने के लिए क्यों कहा, इसका ही क्यों कहा, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, और दूसरी बात ये कि इन चीज़ों का कोरोना वायरस से क्या संबंध है, इससे क्या कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों बोला है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ताली की, कि ताली बजाने के लिए क्यों बोला गया। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो हथेली होती है इसमें 30 से ज़्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो जब ताली बजाते हैं तो वो हमारी हथेली पे या उन पॉइंट्स पे दबाव पड़ता है, जिससे हृदय और फेफड़ों की बीमारियों में राहत मिलती है। ताली बजाने से हमारे नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है या उसमें वृद्धि होती है। और आपको ये तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपका इम्यून सिस्टम, या कह सकते हैं कि आपकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है, वो कितने ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है तो आप कोरोना वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं, इसलिए ताली बजाने के लिए बोला गया। अब हम बात करते हैं शंख बजाने का क्यों बोला गया, या शंख बजाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि शंख बजाने की जो परंपरा है वो युगों युगों से भारत में या हिंदू धर्म में युगों युगों से चली आ रही है। आयुर्वेद में भी शंख बजाने का बहुत महत्व है। शंख बजाने से वायुमंडल में उपस्थित ऐसे जीवाणु, ऐसे वायरस जो कि हमारी शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनका नाश होता है, तथा साथ ही श्वास और फेफड़ों की बीमारी में बहुत ही फायदेमंद होता है। शंख बजाने से योग की तीनों क्रियाएं कौन कौन सी, एक तो होती है पूरक, एक कुंभक और एक रेचक। पूरक के थ्रू आप सांस को अंदर लेते हैं, कुंभक के थ्रू आप सांस को रोकते हैं, और रेचक के थ्रू आप सांस को छोड़ते हैं। ये तीनों क्रिया एक साथ हो जाती है अगर आप शंख बजाते हैं तो, क्योंकि कोरोना वायरस इंसान के श्वसन तंत्र पर ही अटैक करती है। जो आपका श्वसन तंत्र है उसी के ऊपर उसका अटैक होता है, और अगर आपका श्वसन तंत्र अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो इस वायरस का असर आपके ऊपर नहीं होगा। इसी वजह से शंख बजाने के लिए बोला गया है। चलिए अंत में आप बात करते हैं घंटी, घड़ियाल या फिर थाली बजाने की। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो घंटी है वो सभी धर्मों में, लगभग दुनिया में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में घंटी बजाने का महत्व है। फिर चाहे वो हिंदू धर्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्मों में, या बौद्ध धर्म हो, सभी धर्मों में घंटी बजाने का बहुत महत्व है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो है ही, लेकिन हम धार्मिक कारण की आज बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके वैज्ञानिक कारण की। तो जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में एक कंपन उत्पन्न होता है, और वायुमंडल के कारण ये कंपन दूर दूर तक पहुंच जाता है, जिसके कारण इसकी रेंज में आने वाले, यानी इस कंपन की रेंज में आने वाले जितने भी वायरस से, या फिर कह सकते हैं बैक्टीरिया है, या छोटे छोटे जीवाणु हैं, ये स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और आसपास का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। और साथ ही वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इससे हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूती प्रदान होती है, जिसके कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। तो इन सभी कारणों से, इन सभी वजह के कारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी चीज़ को बजाने के लिए बोला गया। तो मैं आशा करता हूँ आपने भी शायद आज ये किया होगा, आपने भी इस प्रकार की चीज़ें बजाई होगी, और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको प्रोत्साहित, उनको थैंक्स जरूर किया होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपने भी अगर ये थैंक्स इस टाइप से किया है तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।